नमस्कार, स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। चलिए रफ्तार के साथ देख लेते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। बीजेपी दिल्ली ने अपना सदस्यता अभियान 10 दिन और बढ़ाने का ऐलान किया है, आज या कल इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। दिल्ली में अगस्त के आखिर से सभी इमरजेंसी नंबरों की जगह होगा 112 नंबर। पुलिस कंट्रोल रूम, एम्बुलेंस, वुमन और सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन जैसी सभी इमरजेंसी सेवाएं मिल सकेंगी। चेन्नई में वेंकैया पर लिखे खिताब का अमित शाह ने किया विमोचन, कहा 370 हटाने के लेकर नहीं था तनिकी समझ। कश्मीर से 370 हटाने पर सुपरस्टार रजनीकांत ने की पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ, कहा मोदी शाह की जोड़ी को कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी। वही अनुच्छेद 370 के बहाने बीजेपी का फिर नेहरू पर हमला, शिवराज सिंह चौहान बोले अपराधी थे नेहरू। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के फैसले पर जेडीयू ने एक बार फिर यू टर्न लिया, श्याम रजक ने कहा मैं अपने बयान पर कायम, अपनी बात पार्टी फोरम पर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वो कश्मीर के लोगों को ईद की दोहरी बधाई देते हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद शांति का माहौल है। दधीची देहदान समिति बिहार की ओर से मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर संकल्प महोत्सव का किया गया उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया उद्घाटन। शहादत दिवस के मौके पर पटना में आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा, शहीद स्मारक पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बिहार में महिलाओं के साथ रेप और अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ने कहा कि क्राइम को रोका जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। पूर्व एलजेपी सांसद रामचंद्र पासवान की भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जमुई के सांसद चिराग पासवान आरकेएस कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और रामचंद्र पासवान की फोटो पर फूल चढ़ाए। छपरा में नाबालिग से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात, ईसा में पीड़ित लड़की की हालत नाजुक, पीड़ित को पीएमसीएच किया गया रेफर। बेगूसराय में पुलिस ने हथियार के साथ रंगदारी मांगने पहुंचे एक बदमाश को किया गिरफ्तार, पुलिस ने छापेमारी कर बदमाश को गिरफ्तार किया। बेगूसराय में 9 अगस्त से लापता युवक का शव गांव के खेत से बरामद होने से पहले सनसनी, युवक की हत्या करने के बाद शव पर तेजाब डालकर खेत में फेंक दिया गया। सहरसा में 2 अलग अलग मंदिरों की दान पेटी से अपराधियों ने पैसे उड़ा लिए, दोनों घटना सदर थाना इलाके के नया बाजार की। जहानाबाद में शराब के नशे में धुत पिता ने अपने बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव पहुंचकर हत्यारे पिता को गिरफ्तार किया। जमुई के खैरा थाने में जमीन विवाद में दबंगों ने ओम प्रकाश यादव नाम के शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया, लोगों का गुस्सा भड़क उठा और खैरा चौक को जाम कर दिया। मोतिहारी के संग्रामपुर थाना इलाके में गन्ने के खेत में रोते हुए मिला एक बच्चा, बच्चा ठंडे पानी में पड़ा हुआ था, लोगों ने स्थानीय पुलिस को जानकारी दी। औरंगाबाद में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में जमकर गोलीबारी हुई है, गोली लगने से एक शख्स की मौत जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल। आरा में 6 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला आया सामने, बुजुर्गों ने बच्ची को 1 रुपए का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जहानाबाद में बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर। दीप प्रज्वलन करें और मनोज जिज्ञासी सर को भी मैं ऊपर बुलाना चाहूंगी, जी मीडिया एग्जीक्यूटिव क्लस्टर हेड, प्लीज वेलकम द स्टेज सर। कोई भी कार्यक्रम ईश्वर की वंदना के साथ जागृत होता है और आज चूंकि हम और आप एक अलग जगाने के लिए, सोच को मजबूत करने के लिए, समाज के बीच एक सशक्त नारी की तस्वीर पेश करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये जो जोत जल रही है, ये जो लौ जल रही है, ये लौ भी यही दिखाती है कि एक नारी समाज में इसी लौ की तरह होती है जो हर वक्त हर पल रोशनी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
जी मीडिया पत्रकारिता के जरिए हर वक्त हर पल एक पहल और एक कोशिश में रहता है कि जो कुछ आपके बीच है, जो कुछ समाज के बीच है, उसमें सकारात्मकता भर सकें। और इसीलिए जी राजस्थान न्यूज़ करीब 6 सालों से ये पहल हर साल करता आया है। इस पहल के साथ हमारा क्या मकसद जुड़ा है वो एक बार दिखाने के लिए मैं निवेदन करूंगी कि हम एक फिल्म चलाएं और कैसे जी राजस्थान न्यूज़ को आपने सराहा है और कैसे जी राजस्थान न्यूज़ अपनी कोशिशों के साथ आगे बढ़ रहा है, देखते हैं इसकी एक झलक। जी राजस्थान 6,50,00,000। तो जयपुर से हम आपको खास कार्यक्रम दिखा रहे थे, यहां पर जी मीडिया वुमन एम्पावरमेंट अवार्ड 2019 का कार्यक्रम चल रहा है। चलिए एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। बांका में महिला को फांसी पर लटकाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्यारा पति गिरफ्तार, महिला का 4 दिन से खाना पीना बंद कर प्रताड़ित किया जा रहा था और पति दोनों बच्चों को लेकर फरार। वैशाली देसरी गांव में हथियार के बल पर बदमाशों ने एक डॉक्टर के परिवार को बंधक बनाकर घर में जमकर लूटपाट मचाई। बदमाश अपने साथ 2,00,000 रुपए और गहने लूट ले गए। सहरसा के पीएचसी में बीती रात एक बच्चे के इलाज के दौरान मौत। बच्चे की मौत से नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया। किशनगंज के सदर अस्पताल में परिवार नियोजन के तहत नसबंदी ऑपरेशन करवाने वाली महिला फिर से गर्भवती हो गई। 1 अगस्त को उसी सदर अस्पताल में उसने एक बेटे को जन्म दिया। सहरसा के विराटपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मासूम बच्ची की मौत। बच्चे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से दिया गया देश के 100 साहित्यकारों को सम्मान, शताब्दी समारोह के तहत सम्मान दिया गया। शहादत दिवस के मौके पर पटना में तिरंगा यात्रा निकाली गई। 1 किलोमीटर तिरंगे के साथ लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई। खगड़िया के कजरी गांव में मछली मारने के दौरान मछुआरों के जाल में एक घड़ियाल फंस गया। मछुआरों ने घड़ियाल को रस्सी के सहारे निकाला, फिर इसकी सूचना वन विभाग को दी। बकरीद और स्वतंत्रता दिवस को लेकर डीएम, एसएसपी, सिटी एसपी ने गांधी मैदान का निरीक्षण किया। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को देखते हुए गांधी मैदान में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। मधेपुरा जिले में जल्द ही सभी सड़कों की मरम्मत की जाएगी। नई अनुरक्षण नीति 2018 के तहत मधेपुरा जिले के 484.35 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई। लखीसराय में डायरिया से घिरा रामपुर मुसहरी, 100 से ज्यादा लोग बीमार हैं। 1 हफ्ते में अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पटना सिटी के हाजीगंज के एक निजी स्कूल में जश्न आजादी कार्यक्रम का आयोजन किया। पटना सिटी में सावन महोत्सव के मौके पर पन्नालाल महिला महाविद्यालय में फैशन ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन। बकरीद और सावन की अंतिम सोमवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर अररिया नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। खगड़िया नगर परिषद की ओर से वृक्षारोपण का कार्य स्थानीय टाउन हॉल में किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष ने पौधा लगाकर वन महोत्सव 2019 की शुरुआत की। नालंदा में नाबालिग लड़की का मिला शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, नहर में मिली लड़की की लाश। पटना गया रेल खंड पर हुआ दर्दनाक हादसा, कनौदी गांव के पास ट्रेन से गिरकर एक छात्र की घटनास्थल पर ही मौत। नालंदा के मेयर गांव के पास 2 बाइकों की टक्कर के बाद सड़क पर गिरी महिला को ट्रैक्टर ने कुचल दिया, मौके पर ही मौत। झारखंड में कई दलों के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में आज दिन भर पार्टी में लोगों के शामिल होने का सिलसिला जारी। बोकारो को आज बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय पेट्रोलियम और स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत पेट्रोलियम के एलबीजी बॉटलिंग प्लांट और कोल टर्मिनल का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से दुमका में भी किसान खुश हैं, किसानों को इसका लाभ मिलना भी शुरू हो चुका है। झारखंड में मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का आगाज होते ही किसानों में खुशी की लहर। अब किसान समय से बीज की खरीद कर अपनी खेती को और मजबूत बना सकते हैं। भारत विभाजन के वक्त पूर्वी पाकिस्तान से कोडरमा के चारडी में बसाए गए 19 शरणार्थी परिवारों को अब अपने आशियाने के उजड़ने की चिंता सता रही।
NH-31 के फोर लेन निर्माण को लेकर इन शरणार्थी परिवारों को सरकारी नोटिस थमा दिया गया और इनके घरों को फोर लेन निर्माण के अधिग्रहण के रूप में चिन्हित भी किया गया है। जामताड़ा में रफ्तार का कहर, 21 साल के युवक की सड़क हादसे में मौत, युवक की शादी जामताड़ा में होने वाली थी। पश्चिम सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर जयंतगढ़ मार्ग में ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर, हादसे में बाइक पर सवार दो लोगों की मौत। सिमडेगा में दो युवतियों का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, 10 अगस्त को श्रद्धा सुरेंग कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, दोनों की हत्या की आशंका। जमशेदपुर की डॉक्टर को संपत्ति हथियाने के मकसद से उनके छोटे बेटे और बेटी ने किडनैप कर अमेरिका में रखा था। इसके बाद डॉक्टर के बड़े बेटे ने दूतावास की मदद से अपने पिता को छुड़वाया और भारत वापस लेकर आए। धनबाद में झरिया के फायर एरिया में भूदसान और गैस रिसाव से लोगों में दहशत, अचानक BCCL के लोडना एरिया के बरारी कोलेरी के पास मैदान में तेज आवाज के साथ आग और गैस का रिसाव शुरू हो गया। चाईबासा में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बेंच लगाई, इसमें कुल 360 मामलों की सुनवाई। पश्चिम सिंहभूम के खनन बाहुल्य इलाकों में ग्रामीणों ने सांसद गीता बोरा के प्रवेश पर रोक लगा दी, इससे ग्रामीण नाराज। जमशेदपुर में जुगसलाई ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान ऑटो चालक की खुलेआम पिटाई कर दी, इस दौरान कई पुलिसकर्मियों ने ऑटो चालक पर हादसा। रांची में बेकाबू स्कॉर्पियो ने दो चचेरी बहनों को जोरदार टक्कर मारी, 7 साल की गौसिया और 9 साल की रेहाना जैस्मीन घायल हो गई। हजारीबाग प्रमंडलीय सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा, सदर अस्पताल के अंदर लैब बंद है, कैंसर पीड़ित मरीजों को असाध्य रोग योजना के तहत लाभ भी नहीं मिल पा रहा। कोडरमा में जल शक्ति अभियान का असर, जिला प्रशासन और आम लोगों के प्रयास से कोडरमा के ऐतिहासिक शिव सागर तालाब का जीर्णोद्धार हुआ। स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी रांची के मोरहावाली मैदान में की जा रही परेड रिहर्सल। पाकुड़ के अमरापाड़ा में BGR कंपनी के दफ्तर में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, BGR कंपनी कार्यालय में 8 अगस्त को चोरों ने सेंधमारी की थी, आरोपी गिरफ्तार। देवघर में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं, अपराधियों ने आदर्श खवारे नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। चलिए सीधे लिए चलते एक बार फिर से आपको जयपुर, जहां जी बिहार झारखंड के एडिटर इन चीफ एंड ग्रुप CEO संबोधित कर रहे हैं। माननीय CP जोशी साहब, बहन ममता जी और सदन में बैठी हुई मातृशक्ति, मीडिया संस्थान इस मकसद से जाना जाता है कि खबर दिखाता रहे, वो तो हम करते ही हैं क्योंकि उसी से हमारी वक्त है, हमारे पहचान है, लेकिन क्या हमारी सिर्फ यही भूमिका होनी चाहिए? तो उसका उत्तर हमारे चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी ने दिया कि समाज में जो अच्छा हो रहा है उसे जब तक प्रसारित नहीं करोगे, उसे जब तक सम्मानित नहीं करोगे, जब तक उसे प्रमोट नहीं करोगे, तब तक समाज में हो रहे बुरे के बारे में कमेंट करने का नैतिक अधिकार तुम्हें नहीं है। और बस यहीं से नींव पड़ी वुमन एम्पावरमेंट अवार्ड की। मातृशक्ति को किसी कोई भी व्यक्ति शक्ति संपन्न नहीं बना सकता, वो तो शक्ति पुंज है, शक्ति का केंद्र है। नारी शक्ति तो वो शक्ति है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक पुरुष का आधार है, पुरुष के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है उससे भी ज़्यादा मजबूती उसके साथ मौजूद है। तो शायद ये शब्द और ये चयन भी पे भी एतराज है मुझे कि हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। भाई ये देश तो वो देश है जहाँ भगवान श्री राम को भी सीता माता को चुनने का अधिकार नहीं था, माँ सीता को अधिकार था कि वो श्री राम को चुने। तो देश की तो वो परंपरा रही है, एम्पावर्ड है इस देश में, सदियों से इतिहास में प्रमाणित है कि इस देश में नारी एम्पावर्ड है। विदेशों में हमने सुना कई जगह वुमन एम्पावरमेंट के मूवमेंट चले, हमारे देश में तो जरूरत नहीं पड़ी। हमारे देश का तो इतिहास कभी ऐसा नहीं रहा, पहले दिन से एम्पावर्ड रही। हाँ, समय काल परिस्थिति के हिसाब से कभी पर्दा प्रथा आ गई, कभी बुर्का आ गया, वो सारी चीज़ें हैं, वो वक्त के हिसाब से हुई, लेकिन वक्त के बीच में से नारी ने उठ करके उसको चुनौती दी और वापस खड़ी हो गई। तो ऐसी शक्तिशाली, ऐसी शक्ति पुंज की केंद्र
मातृशक्ति को मैं नमन करता हूँ। जी मीडिया आज इस एम्पावरमेंट अवार्ड के माध्यम से सिर्फ एक छोटा सा प्रयास कर रहा है कि इससे प्रेरणा लेकर के, मैं तो कहूँगा विशेष तौर पर पुरुष वर्ग कुछ प्रेरणा ले, जिन माताओं जिन बहनों को हम अवार्ड दे रहे हैं उनके जो अचीवमेंट्स हैं उससे पुरुष वर्ग प्रेरणा ले, क्योंकि नारी तो पहले ही सफलता की सीढ़ी पे आगे बढ़ चुकी है और प्रेरित कर रही है हमारे को आगे बढ़ने के लिए। तो आज जिन महिलाओं को हमने चयन किया है, जिस समय हमारी समिति ने चयन किया है, समाज में उनसे कई ज़्यादा हजारों हजार ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी मातृशक्ति है जिसको कि सम्मानित किया जाना चाहिए, लेकिन कार्यक्रम की एक लिमिट है, एक सीमा है हमारी, इसलिए चुनिंदा महिलाओं को जिसने विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख काम किया है उनको हम सम्मानित कर रहे हैं, और उनको सम्मानित करते हुए हम खुद गौरवान्वित हो रहे हैं, हम अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे हैं कि हम ऐसी महान शक्तियों और सश्क्त का सम्मान कर रहे हैं, उनको स्टेज पे ला कर के, और हमने उनका सम्मान नहीं किया है, हम साथ में हमारे को पर भी वो आकर के उनका एक एहसान है कि उन्होंने हमें मौका दिया है। और ख़ास तौर पर मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का, बहन ममता जी का, और इस सदन में मौजूद मातृशक्ति और जो हमारे गणमान्य अतिथिगण हमारे स्पॉन्सर्स, उन सबका धन्यवाद है कि आज वो आए और इस कार्यक्रम को बढ़ाया। इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ, पुनः माधुरी को सौंपता हूँ मैं, हमारी मातृशक्ति को नमन। शुक्रिया सर। और लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया है मैं उनका भी धन्यवाद करती चलूँगी। जी राजस्थान वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड 2019 पावर्ड बाय सिम्फोनिया एंड ग्राफिकस, को पावर्ड बाय अनुकंपा ग्रुप एंड महात्मा गांधी हॉस्पिटल एंड एसोसिएशन विद पर्पल ग्रुप, देवी कंस्ट्रक्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जयपुर, बयानी गर्ल्स कॉलेज, महिमा। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं 100 शहर की 100 खबरों की ओर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एसएन पाठक पहुंचे रिम्स, कार्डियोलॉजी विभाग में किया गया ईसीजी, ब्लड और एक्सरे जांच। हजारीबाग के सदर प्रखंड में शख्स की करंट लगने से मौत, शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। घाटशिला में जंगली हाथियों का जंगल से निकलकर घूमना और विचरण करना आम सी बात हो गई है। एनएच 18 पर आकर विचरण करने लगे हाथी, एनएच पर ट्रकों और बड़ी छोटी गाड़ियों की कतार लग गई। रांची में पूरी सड़क को लगभग दो भागों में बांट दिया गया है, वाहनों को चलने के लिए 6 मीटर यानी 2 लेन दिए गए हैं, बाकी एरिया पैदल चलने वालों के लिए। देवघर में संथाल परगना के आईजी रंजीत प्रसाद ने मेला ड्यूटी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के साथ चौथी सोमवारी के लिए एक विशेष बैठक की। आखिरी सोमवारी के पहले महिलाओं ने सावन महोत्सव का आयोजन किया, स्थानीय होटल के सभागार में वर्णवाल महिला समिति ने श्रावण महोत्सव मनाया। पाकुड़ में बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, पर्व को मनाने में किसी तरह की कोई व्यवधान उत्पन्न न हो इसकी तैयारी की जा रही है। बकरीद को लेकर रांची में बाजार सज चुके हैं, मुस्लिम मोहल्ले इलाकों में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रांची में साइक्लोन सर्कुलेशन का असर दिख रहा है, कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। राहुल गांधी के इस्तीफे के 2.5 महीने बाद कांग्रेस को आखिरकार गांधी परिवार से ही नया अध्यक्ष मिल गया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी को कांग्रेस का नया अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया है। सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी सबसे तजुर्बेदार नेता हैं। सुरजेवाला ने यह भी बताया कि कांग्रेस के संविधान के मुताबिक सीडब्ल्यूसी के पास सिर्फ अंतरिम अध्यक्ष चुनने का ही अख्तियार। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष चुनने के लिए शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक तो हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। कांग्रेस ने बताया कि अगले पूर्णकालिक अध्यक्ष पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में फैसला लिया जाएगा। सोनिया, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद नेहरू गांधी परिवार की ऐसी चौथी सदस्य हैं जिन्हें एक कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार पार्टी का अध्यक्ष पद सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं की रायशुमारी से जुड़ी कमेटियों को की रिपोर्ट पर सोनिया, प्रियंका और मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच विचार विमर्श हुआ। सीएम योगी के दफ्तर की सुरक्षा होगी और ज्यादा मुस्तैद, बुलेट प्रूफ बनेगा मुख्यमंत्री कार्यालय। 13 अगस्त को सोनभद्र के उम्भा गांव जाएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, जमीन विवाद में मारे गए 10 लोगों के परिजन से करेंगी मुलाकात। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने शनिवार को इस्लामाबाद छोड़ दिया है, लाहौर से सड़क मार्ग के जरिए अमृतसर होते हुए भारत आ सकते हैं।
रेलवे ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए बड़ी राहत दी है। रेलवे ने घोषणा की है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजे जाने वाले राहत सामग्रियों पर फ्रेट चार्ज नहीं लिया जाएगा। रेलवे लगातार स्टेशन को हाईटेक बनाने में जुटा हुआ है। अब देश के 2488 स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। रक्षाबंधन को लेकर देश भर के बाजारों में रौनक। इस बार 15 अगस्त को राखी का त्यौहार मनाया जा रहा है। यमन में सुरक्षा बलों और दक्षिण अलगाववादियों के बीच शुक्रवार को तीसरे दिन भी झड़प जारी रही। पूर्वी लीबिया के शहर बेंगाजी में एक कार बम विस्फोट में संयुक्त राष्ट्र के दो कर्मचारियों की मौत हो गई। अमेरिका के अरबपति फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन को शनिवार को जेल में मृत पाया गया। चीन के झेंजियांग प्रांत में आए तूफान और आंधी से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के शंघाई में भारी बारिश की वजह से शहर के डिजलैंड को बंद करना पड़ा है। रूस में विरोध प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया। करीब 40,000 लोगों ने रूस की राजधानी मॉस्को में विरोध प्रदर्शन करते स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग की। म्यांमार के पूर्वी हिस्से में मानसून की बारिश की वजह से हुई लैंडस्लाइड में मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 41 हो गई है। पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया में बेहद ही दर्दनाक घटना घटी है। शनिवार को तेल टैंकर में विस्फोट के दौरान 62 लोगों की मौत। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के बाद अब टीम इंडिया की नजरें वनडे सीरीज पर है। आज वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है। यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर वेस्टइंडीज के खतरनाक बल्लेबाज अपने करियर की आखिरी सीरीज खेल रहे हैं। अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले और कई रिकॉर्ड के वाले गेल के सामने अपनी आखिरी सीरीज में महान ब्रायन लारा और डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ने का बड़ा मौका है। बॉलीवुड के दो दिग्गज एक्शन स्टार्स जॉन अब्राहम और सुनील शेट्टी बहुत ही जल्द एक ही स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। तब मुंबई सागा में ये दोनों दिग्गज गैंगस्टर वाले स्वैग में नजर आने वाले हैं। लंबे वक्त बाद रानी मुखर्जी मर्दानी 2 के जरिए एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे। फिल्मकार अनुराग कश्यप ने ट्विटर छोड़ दिया है। लोगों की आलोचना से परेशान होकर अनुराग ने फैसला लिया। मुंबई में लैक्मे फैशन वीक का ऐलान किया गया। 20 साल पूरे होने के मौके पर देश भर के 45 मॉडल्स चुने गए। प्रभास और श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म साहू का ट्रेलर शनिवार को रिलीज हुआ। महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए शिरडी साईं बाबा संस्थान ने 10 करोड़ रुपए मदद करने का ऐलान किया। कुछ दिन थमने के बाद आज ओडिशा में फिर से हो रही है तेज बारिश। जम्मू कश्मीर के पूंछ में क्रॉस LOC ट्रेन सेंटर में बाढ़ का पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से भारी तबाही। चलिए इसी के साथ सौ शहर की सौ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।